राधे राधे, नमस्कार। रीटा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम घर पर कचौरी बनाएंगे, प्याज पनीर की घर पर कचौरी बनाएंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक कटोरी बड़ा मैदे का ले ली है और आधा चम्मच वाइट नमक डाला है और एक चम्मच हमने अजवाइन की ले ली है। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है कचौरी में। तीन चम्मच हम रिफाइंड घी डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे मैदे में। अच्छी तरह मिक्स करके देखेंगे, ऐसे देखेंगे हमारा आटा जुट रहा है आपस में। देखो अच्छी तरह हो रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है आटा हमारा आपस में। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, सिर्फ इसमें एक सबसे ज़रूरी बात है कचौरी में, हमने आटा बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, आटा हमने टाइट नहीं गूंदना है। जितना सॉफ्ट आटा होगा उतनी ही कचौरी बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब हमारा आटा तैयार हो गया, हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। एक चम्मच हम ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, बड़ा चम्मच और छोटे चम्मच दो। आधा चम्मच हम जीरे का डालेंगे, जीरे को अच्छी तरह भूनने देंगे। अब हम प्याज को डालेंगे, दो प्याज हमने बारीक काट लिए, उसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा भूनना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन होने ही तक भूनना है, क्योंकि प्याज का फिर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं रहेगा। एक चुटकी हम हल्दी की डालेंगे, नमक मिर्च हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम इसमें एक चम्मच बेसन का डालेंगे, बेसन से हमारी कचौरी ना बिल्कुल भी फटेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। क्योंकि कितनी बार ऐसे होता है कि कढ़ाई में कचौरी जाती है और फटी जाती है पहले ही, मगर इससे हमारी कचौरी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। बेसन हम डालने के बाद हम इसमें पनीर को डालेंगे। पनीर को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया था, अब हम प्याज भी मिक्स करेंगे पनीर को। बेसन से हमारे बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होगा और सब्जी बिल्कुल सोख्त हो जाती है इससे, बेसन से। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हम कचौरी में भरेंगे, फिर हम तेल तक गर्म करेंगे। अब आटे को थोड़ा सीधे मस लेंगे हम। पहले हम रोटियों को बेलेंगे छोटी छोटी पतली पतली, बीच में से हमने कम बेलना है, साइडों में से ज़्यादा बेलना है। अब ऐसे करके दूसरी को भी बेलेंगे, साइडों में ज़्यादा बेलना है, बीच में ज़्यादा दबाव नहीं देना है, साइडों में हमने बिल्कुल बारीक करना है, बिल्कुल पतला। देखो हम बीच में अच्छी तरह जोर नहीं लगा रहे, साइडों में ही लगा रहे हैं। इसके कोने मोटे नहीं होने चाहिए कचौरी के। अब इसमें हम मसाले को भरेंगे। तीन चम्मच हमने मसाला भर दिया है इसके अंदर। साइडों में हम पानी लगाएंगे हल्का हल्का, ताकि ये आपस में चिपक जाए, तेल में जाने के बाद खुले नहीं। कई ऐसे मेंबर कहते हैं कि हमारी कचौरी कढ़ाई में जाते ही फट जाती है, बेसन से और पानी लगाने से हमारी कचौरी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। ऐसे करके हम अच्छी तरह इसको चिपका लेंगे, जो ऊपर का एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम बाहर निकाल देंगे।
अब इसको अच्छी तरह हम प्रेस करेंगे, बिल्कुल हल्के से हाथ से, थोड़ा सा हल्का हल्का बिल्कुल बेलन के साथ करेंगे, या आप हाथ के साथ भी कर सकते हो। बिल्कुल अच्छी हमारी सारी कचौरियाँ बनकर ऐसे तैयार होगी। हमने घी को रखा था, बिल्कुल सिम गैस है, घी की बिल्कुल भी तेज़ गैस नहीं करनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे करके हम सारी कचौरियों को डाल देंगे, इसको अब हम पलट लेंगे। देखो हमारी कचौरियों का कलर बिल्कुल अच्छा कलर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप भी ज़रूर बनाएं और मेरे कमेंट पर लिखकर बताएं आपकी कैसी बनी है। बिल्कुल खस्ता सी कचौरी है। अगर आपको मटर की कचौरी सीखनी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, मैं ज़रूर बनाना बताऊंगी। अब हम आपको बीस में से दिखाएंगे कैसे हमारा फ्लेवर आ रहा है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है, पनीर का और प्याज का। राधे राधे, नमस्कार।